गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे सामने खड़ी हुई है 2024 की लेटेस्ट बजाज की सीटी 125X। आज की इस वीडियो में हम जो है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं इसके आगे की लुक्स की बात करूँ तो इसमें मिलते हैं आपके थोड़े से एडवेंचर बाइक वाले लुक्स। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस ग्रिल की वजह से, गेटा कवर्स की वजह से, यहाँ पर ग्रिप्स दी गई है इस वजह से, पीछे ग्रिप मिलेंगी इस वजह से, कुछ इसके जो लुक्स हैं ना मेरे को थोड़े से एडवेंचर बाइक वाले लुक्स लगते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लोगों को कुछ और भी लग सकता है, लोगों को हो सकता है किसी और टाइप का लुक लगता हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED DRS देखने को मिलेंगी, उसके बाद यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट का क्लासिक लुक देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको गेटर्स देखने को मिल जाते हैं, आपका आगे जो है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। उसके बाद अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो 80-100-17 इस तरीके से इसका टायर साइज रहने वाला है। रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों ही तरफ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करी जाए तो कुछ इस तरीके की इसके साइड के लुक्स हैं। कैटलेटिक कन्वर्टर पे आपको गार्ड मिल रहा है, बेली पेन टाइप का, इस तरीके से आपको एक इंजन गार्ड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पे मिलता है आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर मैं इसकी सैडल हाइट की बात करूँ तो 810 mm की यहाँ पर आपको सैडल हाइट देखने को मिलेगी। 130 kg बाइक का जो है वेट रहने वाला है। साइड स्टैंड, मेन स्टैंड आपको दोनों देखने को मिलेंगे। गियरिंग पैटर्न की बात करें तो 5 गियर आपको मिलेंगे, 1 नीचे 4 ऊपर, इस तरीके से यहाँ पे आपको गियरिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। 125cc की बाइक में 5 गियर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे DTSI इंजन नहीं मिलने वाला है आपको, पेट्रोल की टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 125X आपको यहाँ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। डुअल कॉयल कवर वाले आपको यहाँ पे जो है सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। चेन कवर आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से साइड स्टेप विद सारी गार्ड आपको देखने को मिल रहा है। पीछे के पिलियन के लिए यहाँ पे आपको जो है कुछ इस टाइप का फुटरेस्ट मिलेगा, और राइडर के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का फुटरेस्ट देखने को मिलेगा। पीछे के टायर साइज़ की बात करें तो पीछे का टायर साइज़ देखने को मिलेगा आपको 100, 90, 17 इंच का पीछे आपको टायर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से कवर देखने को मिल जाएगा, जगह जगह पे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे आपको टैंक ग्रिप देखने को मिल रही है, थाई ग्रिप। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे आपका एक टूल बॉक्स देखने को मिल रहा है। आते दूसरी तरफ, कुछ इस तरीके की इसकी दूसरी तरफ के लुक्स हैं। यहाँ पे एक आपको दोबारा से साइड स्टेप देखने को मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो है पिलियन वाला एक फुटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका राइडर का फुटरेस्ट देखने को मिलेगा। किक स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको DTSI इंजन मिल रहा है, DTSI ट्विन स्पार्क आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल रहा है। वहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है DTSI ट्विन स्पार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पीछे की ब्रेक के ऊपर ग्रिप देखने को मिलेगी, रबर पैड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से वायरिंग वगैरह देखने को मिलेगी आपको कार्बोरेटर की, ठीक है। पीछे की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरीके के यहाँ के पीछे के लुक्स हैं। आपके यहाँ पे इंडिकेटर्स रहने वाले हैं फ्लेक्सिबल टाइप, आपको यहाँ पे हेलोजन टेल लाइट रहने वाली है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी, एक रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीछे के टायर साइज की बात करूँ एक और बार तो 100, 90, 17 इस तरीके से इसका टायर साइज रहने वाला है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करे गए हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक लेग गार्ड मिलेगा, लेग गार्ड के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रिप मिलेगी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे पैर रखें तो स्क्रैचेस वगैरह आपको यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। उसके बाद ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरीके के ऊपर के लुक्स हैं। E22 वाला ऑप्शन है ये आपका, इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, निकाल दिया होगा, ठीक है। सीटी यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद 125X आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ब्लू कलर के ग्राफिक्स बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। कंसोल की बात करें कुछ इस तरीके का कंसोल आपको देखने को मिल रहा है। चाबी कुछ इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी, ठीक है। पूरा ही एनालॉग वाला सिस्टम है। 120 तक की मार्किंग है। टॉप स्पीड की बात करें 90 से लेकर 100 के बीच में आपकी जो है इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। यहाँ पे अगर स्विचेस की बात करें, पास का स्विच मिल रहा है, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर के कंट्रोल्स, हॉर्न की बात करें सिंगल टोन हॉर्न, यहाँ पे आपकी जो है आपके लाइट के कंट्रोल्स, और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एग्जॉस्ट नोट अभी मैं आपको और सुना दूंगा। यहाँ पे आपको एक USB टाइप ए चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इसमें वार्निंग्स की तो यहाँ पे आपको मिल रही है न्यूट्रल की लाइट, चेक इंजन लाइट, उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की लाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हाई बीम की लाइट भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से मीटर में देखने को मिल जा रही है। OBMs की बात करें तो कुछ इस तरीके के OBMs आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। सीट की बात करी जाए, कम्फर्टेबल चौड़ी सीट है, ठीक है, देख लीजिए।
चौड़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी पैडिंग देख सकते हैं, देखने को मिलने वाली है आपको यहाँ पे, अच्छी चौड़ी सीट है। यहाँ पे 125X आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, पीछे भी आपको एक कैरियर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एक आपको ग्रिप देखने को मिल रही है। अगर ग्रैब हैंडल की बात करूँ, अच्छी क्वालिटी का ग्रैब हैंडल मिल रहा है, एकदम बहुत ही मजबूत आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इसके टैंक के साइज़ की बात करूँ, तो इसका जो टैंक का साइज़ रहने वाला है वो है आपका 11 लीटर का, 11 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल रहा है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ, इंजन की बात करना मैं भूल गया था, यहाँ पे मिलता है आपको 124 सीसी का इंजन, जो कि आपका सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूँ, 11 bhp और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है इस बाइक में। अगर मैं इसके बाइक के माइलेज की बात करूँ, तो यहाँ पे मिलता है आपको 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, 60 km/h का आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिल रहा है, और टॉप स्पीड इसकी 90 से लेकर 100 के बीच में आपकी इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। अगर मैं इसकी एक्सशोरूम कॉस्ट की बात करूँ, तो एक्सशोरूम कॉस्ट करती है आपकी 77,000 रुपये, 77,000 रुपीज़ जो है इसकी एक्सशोरूम कॉस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ, तभी मैं हूँ आपका शानना बजाज पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को बाइक प्रोवाइड करी और अब तक जो है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचा पा रहा हूं। तो यहां पे ऑन रोड कॉस्ट कर रही है आपकी 96,000 रुपीज़ की, 96,000 रुपये जो है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है यहां महाराष्ट्र में पुणे में। तो कैसी लगी बाइक, कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बाइक, गाड़ी या स्कूटी के साथ। और हमारे सामने ये खड़ी हुई लाल रंग की N150, जिसके अंदर आपका लगा हुआ है नया वाला मीटर, देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले एक बार आप इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन जाइए। तो इसको बन गया, ये सेल्फ मारा, ये स्टार्ट हो गई, कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है।